है वो ट्रैवल मोबाइल चार्जर रखा है और इसके लिए जो कम से कम स्पीड होनी चाहिए वो 20 माइल्स पर आवर होनी चाहिए और ये जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में भी जो है वो सर्वाइव कर सकता है। ये जो है ये हम लोगों ने प्रोटोटाइप बनाया है, इसमें जो है ये चार ब्लेड्स लगे हुए हैं और इसमें जो है वो ये जो चीज़ है ये जनरेटर है, तो ये जो इन रोटर्स की मदद से वो प्रोड्यूस करता है एनर्जी। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और फिर हम लोगों ने इसमें जो है ये यहाँ पे हम लोगों ने एलईडी लगाई जो कि टॉर्च के तौर पर यूज़ होगी और ये चार्जर है। इसके नीचे हमने मैग्नेट लगाए हैं जो कि किसी भी मेटालिक बॉडी के ऊपर आराम से लगाए जा सकते हैं, हमें कोई ग्लू या कोई भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से लगाया जा सकता है, बड़ा ईजी यूज़ करना है इसको। ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि ये जो है वो हम लोग जो है लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं और लॉन्ग रूट पे जो है वो ट्रेन और बसेज में जो है चार्जर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं जिसकी वजह से मोबाइल की जो बैटरीज वगैरह होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। इसको अगर हम मैथ प्रोडक्शन पे बनाएं ज़्यादा बनवाएं तो फिर ये तकरीबन हमें 100 रुपीज़ का एक पड़ेगा, लेकिन अभी हमने ये एक बनाया तो इसके लिए हमें ये चार्जेस ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। मेन ये प्रॉब्लम आई थी कि हम जो है विंड टरबाइन जो है वो किस तरह से वो बनाएंगे के जो है वो जो सही से मूव कर सके, उसके एंगल वगैरह सही से हो, प्लस ये कि जो हम लोगों ने जनरेटर्स वगैरह बनाए थे उसके जनरेटर्स जो यूज़ किए हैं इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि जो है वो हम लोगों ने जो इसमें छोटी मोटर्स यूज़ की थी जो सही से जो है वो आउटपुट नहीं दे पा रही थी, फिर हम लोगों ने साइज़ थोड़ा बड़ा करते गए, फिर जो मोबाइल और MPC प्लेयर वगैरह की रिक्वायरमेंट्स थी हम लोगों ने उसके हिसाब से भी काम किया है। अगर सिर्फ इसी की कॉस्ट लगाई जाए तो ये तकरीबन हमें 500 रुपीज़ का पड़ा।